इंडियन ब्यूटी सुरभी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट अफोर्डेबल हाइलाइटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹250। एंड जितने भी हाइलाइटर्स आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये सभी मेरे फेवरेट है, लाइक एब्सोल्यूट फेवरेट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से हैं ये बेस्ट अफोर्डेबल हाइलाइटर्स, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक। और अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड रहे। एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले है ये इन कलर कॉस्मेटिक्स की शिमर ब्रिक इन दी शेड 05 रेडियंट। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है। ये सभी इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके पिगमेंटेशन की, तो ये हाईली पिगमेंटेड है गाइस। एक ही स्वाइप में आपको इंटेंस पिगमेंटेशन मिलता है एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर गाइस, जस्ट लुक एट दिस। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको फ्लिपकार्ट से इजीली 230 से लेके 250 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर, एंड दिस इज़ इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। ये हाइलाइटर मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, या फिर आप ऑल टाइम फेवरेट भी कह सकते हो। ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। एंड जस्ट लुक एट द डिज़ाइन एंड लुक एट द शीन गाइस, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बहुत ही सटल है, बिल्कुल नेचुरल ग्लो देता है। एंड पिगमेंटेशन की बात करूँ सो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ हाईली पिगमेंटेड। जस्ट वन स्वाइप यू गेट द इंटेंस पिगमेंटेशन, आई मीन जस्ट लुक एट दिस। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई करना, ये आपको बहुत 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 पसंद आएगा। और इसका प्राइस है ₹499 और इसे मैंने लिया था नायका से। उसके बाद नेक्स्ट है अगेन फ्रॉम इन कलर कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज बेकिंग हाईलाइट। दिस इज इन द शेड 04 प्रिटी इन पिंक। हाइलाइटर तो ये अच्छा है ही, लेकिन इसका डिजाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बेक्ड हाइलाइटर्स में जो ग्लिटर होती है वो थोड़ी सी चंकी होती है, लाइक फाइन नहीं होती, थोड़ी सी चंकी ग्लिटर होती है। सो अगर आपको इस तरह की हाइलाइटर्स अच्छे लगते हैं सो आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मैं बात करूं इसके पिगमेंटेशन की, सो जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन गाइस, हाईली पिगमेंटेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल हाइलाइटर है। एंड मैं आपको ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक हाइलाइटर है। तो आप इसे दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो एज अ हाइलाइटर एंड दूसरा एज अ ब्लश, क्योंकि ये पिंक कलर में है तो ये ब्लश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसे एक ही बार में आपके दोनों काम हो जाएंगे, लाइक आपने ब्लश भी अप्लाई कर लिया और हाइलाइटर भी। तो ये 2-in-1 हाइलाइटर है, तो आई थिंक ये बेस्ट है। और इसके अलावा भी इसमें आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके सारे ही शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसे भी मैंने परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, तो ये मुझे मिला था अराउंड 300 रुपीज में। तो ये काफी अफोर्डेबल है, ये आपको 300 से 350 रुपीज के बीच में इजीली मिल जाएगा। अगर आपको क्रीम हाइलाइटर्स अच्छे लगते हैं सो आप ट्राई कर सकते हैं ये मेबलिन की मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही बेस्ट क्रीम हाइलाइटर है। ये स्ट्रोबिंग क्रीम आपको बहुत ही नेचुरल ग्लो देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कोई हाइलाइटर अप्लाई किया है। अगर आपको अपने फेस पे एक डूई फिनिश चाहिए तो आप इसे अपनी फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छी सी डूई फिनिश आएगी, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रोबिंग क्रीम है, अगर आपने ट्राई नहीं की है सो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। इसकी MRP है ₹650, लेकिन ये इजीली आपको नायका पे ₹500 तक मिल जाएगी। एंड इसमें ये ट्यूब फॉर्म है, लेकिन इसमें एक स्टिक फॉर्म में भी आती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, सो अब जो नेक्स्ट हाइलाइटर है ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है एंड ये बहुत ज्यादा फेमस है। आई एम श्योर कि आपने भी इसे यूज किया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो यस, मैं बात कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर की। एंड गाइज, ये ऐसा हाइलाइटर है जिसे आप कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं, चाहे आप इसे डे टाइम में अप्लाई कीजिए चाहे नाइट टाइम में। ये हर स्किन टोन पे, हर ओकेजन पे बहुत ही गॉर्जियस लगता है। मुझे सबसे अच्छी बात जो इसमें लगती है वो ये है कि ये बिल्कुल भी चौकी नहीं है, बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, लाइक बटरी स्मूथ इसका टेक्स्चर है। एंड जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन गाइज, मतलब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्टनिंग गॉर्जियस हाइलाइटर है। और अगर आप इसकी क्वांटिटी देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो पैन है वो कितना ह्यूज है। अब तो आप ये खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आप इसे कितने टाइम तक यूज कर सकते हो, लाइक ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। और बहुत सारे आप लोगों ने इसे ट्राई किया भी होगा, लेकिन जिसने भी ट्राई नहीं किया है एक बार मेरे कहने से इसे जरूर ट्राई करें। आई एम श्योर आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, ये इतना अच्छा हाइलाइटर है। और इसकी MRP है ₹850, लेकिन ये इजिली आपको फ्लिपकार्ट से ₹650 में मिल जाएगा। सो गाइज, दैट्स इट इन टुडेज वीडियो एंड आई होप
होप आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको देने इस वीडियो को बड़े बड़े थम्स अप और सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आपको इन हाइलाइटर्स में से कौन सा हाइलाइटर ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आप कोई न्यू हाइलाइटर मुझे सजेस्ट करना चाहते हो सो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, तो मैं उसे जरूर ट्राई करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड रहो। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, अगर आपको ब्लॉग देखना पसंद है तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स देती हूँ अपनी वीडियोस की, अपनी डेली लाइफ की, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन यू ऑल स्टे हैप्पी।